फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विद क्रिएटिव सेहरिश। फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मम्मा मेरे लिए एक पेंसिल केस यानी कि बॉक्स ऑर्डर की है एंड वो है यूनिकॉर्न थीम पे, क्योंकि मुझे और सारी गर्ल्स को यूनिकॉर्न पसंद ही होता है। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने यूनिकॉर्न पेंसिल केस में क्या क्या रखूंगी एंड उसको कैसे अरेंज करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड फ्रेंड्स उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे शॉर्ट्स पे अपलोडेड है। सो फ्रेंड्स जब पहले एक चीज तो बहुत ही मजेदार है, हम लोग तो 2 इयर्स बाद स्कूल जाएंगे, कितना मजा आएगा। न्यू पेंसिल बॉक्स, न्यू पेंसिल्स, न्यू बैग्स, न्यू सब एवरीथिंग न्यू लेके जाएंगे, कितना मजा आएगा स्कूल जाके। एंड जब स्कूल जाएंगे 2 इयर्स बाद तो लगेगा भी न्यू स्कूल में आए, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। मैं तो बहुत खुशी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जल्दी जल्द हम सभी का स्कूल खुलने वाला है, ओपन होने वाला है 2 इयर्स बाद स्कूल जाए, कितना मजा आएगा। मुझे तो अभी से ही बहुत मन एक्साइटेड लग रहा है फ्रेंड्स। सो अभी मुझे तो जानने में भी मजा आता है, इसलिए आज मैं सोची कि आपको भी मैं शेयर करूँ कि मैं अपने यूनिकॉर्न पेंसिल केस में क्या क्या रख रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी चलते हैं रखने, मुझे तो बहुत मजा आता है अपने बॉक्स में न्यू आइटम्स रखने के लिए। चलिए सो फ्रेंड्स ये है मेरा यूनिकॉर्न बॉक्स, अभी चलिए इसमें रखना शुरू करते हैं। पहले यहाँ चेन है, यहाँ देखिए हार्ट्स, यहाँ पे ऐसे ओपन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे चेन टाइप का दिया हुआ है। वाओ कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ पे ऐसे, वाओ यहाँ पे भी ऐसे। तो चलिए अब रखना शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं शुरू करूंगी यहाँ का रखना, यहाँ पे मैं रखूंगी फर्स्ट मेरा यहाँ पे पेंसिल है, इसे मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। हाँ और अब मैं रखूंगी अपना हाइलाइटर यहाँ पे एंड मेरा एक न्यू इरेजर भी है जिसे मैं अनबॉक्स की हूँ, ये वाला क्यूट सा आउल वाला। अब मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ और अब मैं रखूंगी अपना स्टिकी नोट्स, 2 स्टिकी नोट्स से मैं 1 रखूंगी, यहाँ पे रहेगा मेरा स्टिकी नोट्स। अब मैं रखूंगी अपना दूसरा पेंसिल। फ्रेंड्स आप ये हंसिएगा मत, मैं ये स्केच जो भी खराब हो जाता है उसका ढक्कन पेंसिल में लगा देती हूँ, क्योंकि जो जब भी मैं अपना बॉक्स में या पाउच में रखती हूँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे रख दी हूँ मैं, तो यहाँ पे उसका दाग आ जाता है, इसलिए मैं सब कैप लगा के रखती हूँ। इसे मैं एक्चुअल से यहाँ रखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। एंड अब ये रहा उपसी, ये इसे ये पेंसिल टॉप है इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड वो ये हाइलाइटर भी यूज आएंगे, ये भी रख लेती हूँ मैं यहाँ पे इसे रख रहे हैं अभी मैं, यहाँ पे ये हाइलाइटर रख दी हूँ मैं। और अब यहाँ पे मेरा एक स्केल है, ये डिजाइनेबल स्केल है मेरा, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये इरेजर में यूज करूंगी, ये ऐसी छोटी छोटी काम में मैं यूज करूंगी, लेकिन हमारा सिंपल इरेजर एग्जाम्स के लिए बहुत यूज आएंगे, तो इसे मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। अब मैं अपना यहाँ पे मेरी मम्मा मेरे लिए ये किटी पेंसिल टॉप बना दी है, अब मैं उसे यहाँ पे अपना पेंसिल घुसा के मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। और फिर सबसे यूजेबल थिंग जो कि है मेरा शार्पनर। एंड फ्रेंड्स इस पाउच में एक चीज बहुत ही अच्छा खासियत है इसमें कि मैं अपना ये कलर पेंसिल्स मैं बोल रही हूँ, कलर बॉक्स, ये वाला बॉक्स भी रख सकती हूँ मैं, इसमें एक खासियत है। और ये इसे मैं यहाँ रख देती हूँ एंड थोड़ा सा साइड कर देती हूँ इसे ताकि ये आ जाए।
अब मैं अपना पाउच रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे रखी हूँ, यहाँ पे ऐसे। अब मैं बड़ी क्लास में जाते रहूंगी ना, तो मुझे पेंस भी यूज आएंगे, तो यहाँ पे मैं अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंस रखूंगी। और फिर यहाँ ये बहुत सॉफ्ट ही है, और अभी मैं बंद कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो कलर वाला बॉक्स भी इसमें आ गया, यहाँ पे। कितना अच्छा है ना, यह यूनिकॉर्न है और डोनट्स है, जो कि आप सभी का फेवरेट होगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये क्यूट सा यूनिकॉर्न पाउच? पाउच भी बोल सकते हैं, एंड पेंसिल केस या बॉक्स, तीनों बोल सकते हैं। आपको कैसा लगा ये यूनिकॉर्न पेंसिल केस? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये पेंसिल केस आपको कितना अच्छा लगा, और कहाँ कमेंट करना है मेरी कम्युनिटी पर, आप वहाँ जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं तो स्कूल जाऊंगी, तो न्यू आइटम्स आते रहेंगे ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जब मैं स्कूल जाऊंगी, मैं अपने स्टडी टेबल को भी अरेंज करूंगी, मैं उसे अरेंज कर लूंगी। उसके बाद मैं आपको उसका टूर भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे अरेंज की हूँ। सो आपको कैसा लगा आज का ये अरेंजिंग वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।